नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी यूपी SSSC वीडियो एग्जाम की डेट घोषित हो जाने के बाद, जो आपको पता है 26 और 27 जून को है, लगभग हमारे पास 50 दिन बचे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब इन 50 दिनों में जो हमें दूसरा मौका मिला है, इसे कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो आपके पास एक बहुत अच्छी रणनीति होनी चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए और एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो क्या मास्टर प्लान है, इसको हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं कि 50 दिन में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किताबें कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी किताबों का चयन ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे टेस्ट सीरीज क्या होना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज होना चाहिए, कितने टेस्ट सीरीज होना चाहिए, कितने समय के अंतराल पे हम लोग को टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। पीडीएफ जो हमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे आप लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं जो बोलते हैं इस पीडीएफ से उस पीडीएफ से, तो उन पीडीएफ की तरफ आपका जो भटकाव होता है वहां तक कहां तक बचना चाहिए और कौन सा पीडीएफ आपके लिए उपयोगी है, कौन सा पीडीएफ आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसका हम लोग को पता लगाना है कि ये हमें कैसे छांटना होगा कि किस पीडीएफ को हम लोग अपनी उपयोगिता के लिए यूज कर सके। उसके बाद देखा जाए तो रिविजन, हम कैसे रिविजन कर सकते हैं, रिविजन के लिए हमारे प्लान क्या होना चाहिए, हमारा स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए, कितना देर हम पढ़े, कितना देर अपने आप को आराम दें या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगे या वीडियो एग्जाम में ही पूरी ऊर्जा लगा दें, या फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लें। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब आप एक चीज समझिएगा कि एक एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो पीटी के बदौलत नहीं होगा, मतलब कि इसमें ओवरऑल सारे बच्चे बैठेंगे, तो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहेगा, हर वो व्यक्ति जो बेरोजगार है। बीते 5 सालों में अगर कोई कहीं सेलेक्ट हो गया है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं, केंद्र की भी हैं और इवन राज्य की भी हैं, लगभग देखा जाए तो लाखों लाखों ऐसे पद पे हुए हैं जहाँ पे बच्चे बीते 5 साल में सेलेक्ट हुए हैं, अगर हम केंद्र और राज्य दोनों मिला लिया जाए, जो वीडियो एग्जाम में पिछली बार फॉर्म भरे थे, और वो 1 लाख जो बच्चे इस बार अगर नहीं बैठेंगे तो हो सकता है उसका फायदा मिले। कहने का मतलब कंपटीशन लेवल क्या हो सकता है और इसके बदौलत कट ऑफ क्या जा सकती है, इन सारी बातों को हम लोग इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत कम में। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो हमारा ये वाला पार्ट है, इसलिए मैंने इसे एलओ में लिखा है कि ये हमारा क्या होना चाहिए और इसको हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। जैसे अगर वीडियो एग्जाम की 50 दिन की अगर मैं रणनीति की बात करूं, तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कौन से पढ़ने हैं। आपको यह पता है कि आप में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग 50% है, मतलब कि अगर 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका, 1 क्वेश्चन का नंबर चला जाएगा। एक 2 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 50% अभी तक किसी एग्जाम में नहीं होती, ये एकमात्र एग्जाम था जिसमें आपके 50% क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो गए। पिछली बार भी यही था, फिर भी आप सोचोगे फिर भी 300 में से 212 के आसपास कट ऑफ कैसे चले गए। नो डाउट कि उसमें पेपर कैंसिल क्यों हुआ, ये तो भी आप कारण जानते हो गए, तो उसमें मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हो। तो अभी क्या है, अगर 50% पे पेपर अच्छा बन गया, बैलेंस बन गया, और पेपर कैसे बनेगा इन शॉर्ट मैं आपको इससे पूर्व की भी वीडियोस में बता दिया हूं और अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो आपका पेपर बनने वाला है जिसमें जीएस का लेवल अच्छा खासा होगा, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट होगी और हिंदी अपना मॉडरेट लेवल जैसे बाकी UPSSC के एग्जाम में लेके चलती है, वही लेवल आपका हिंदी का रहेगा, ना बहुत कठिन स्तर का होगा ना बहुत आसान स्तर का होगा। हाँ, जबकि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे शुद्धि अशुद्धि वर्तनी या फिर कई बार गद्यांश भी हो सकता है, थोड़ा अच्छा लेवल का आपका पूछ लिया जाए। फिलहाल अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात किया जाए तो तीनों में से जैसे रीजनिंग और हिंदी को अगर मैं बोलूं तो उसे मैं ज्यादा क्लासिफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। उसका कारण भी यही है कि हिंदी और रीजनिंग में अगर आप टॉपिक छोड़ दिए और अगर आप वहां पर यह सोच लगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े, मतलब क्या पढ़े वाला सीन होना चाहिए क्या ना पढ़े वाला सीन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जो बच्चा भी सेलेक्ट लेता है वो वीडियो में रीजनिंग और हिंदी में क्या होता है, नंबर उठाता है। मतलब अगर मैं आपको एक टारगेट दूं कि कितना आपका होना चाहिए, तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 50 प्रश्नों में से जहां पे 50% नेगेटिव है, कम से कम आपको 45 के आसपास, ये 45 प्लस के फिगर में लेके चलना है, इससे कम में तो बिल्कुल नहीं होगा। और निगेटिव मार्किंग के होने के बावजूद मैं इसे अच्छा टारगेट दे रहा हूं, कारण यही है कि कोई भी बच्चा यहाँ पे, देखो एक चीज है, मैं आपका दिल रखने के लिए बोलूं नहीं, कट ऑफ नीचे आएगी, बट आप उसके बदल मेहनत कम करोगे फिर आपका चयन नहीं होगा, बाद में गाली मुझे दोगे। और जो सत्य है भी नहीं, कट ऑफ कम तो नहीं जाएगी, इस बात को समझिएगा,
कोई भी एग्जाम है जो 75-80% के बीच में कट ऑफ जा रही है, पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े से कम हो गए, तो हो सकता है वो 70-75 के बीच में कहीं लाई करे, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो हो सकता है 75-80 के बीच में लाई करे। तो यहाँ पे कंडीशन दूसरा वाला बन रहा है 75-80% के बीच में, मतलब अगर 300 नंबर का निकाला जाए तो वहां पे अगर 8-24 240 और अगर 75% निकाला जाए तो वही 210 से लेके 220-225 के बीच में आप एक टारगेट लेके चलो। बट सब कुछ अभी कहना सही नहीं होगा, ये सब कुछ आपका जब पेपर हो जाएगा, पेपर कैसा आता है, कितने बच्चे दिए, उन आंकड़ों पे आपको बताया जाएगा। बट एक अनुमानित आप 75-80% लेके चलते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो 75-80% का टारगेट करने के लिए हिंदी हो गया रीजनिंग, और ये अच्छा पिछली बार क्या हुआ था, रीजनिंग बच्चों को टफ लगा था, लेकिन आपको बता दूं टफ होने के बावजूद भी रीजनिंग में बच्चों ने 44-44, 45-45 क्वेश्चन सही किए थे कटने पिटने के बाद, मतलब निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। तो आपका अब तो इस बार आसान आने वाला है। अच्छा आप सोचोगे कि सर इतना श्योर कैसे हो रहा है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं ऐसा कि 100% ही, बट 99.99% ये श्योर हूं कि जो आपका एजेंसी करा रही है पेपर, वो आपका इधर जितने भी आपके एग्जाम हुए उन्हीं के बिहाफ पे होगा, और उस हिसाब से रीजनिंग बहुत हार्ड स्तर, मतलब कि अगर मैं 2018 को कंपेयर करूं तो वैसे रीजनिंग नहीं आएगी, इस कारण से ज्यादा नहीं बट 45 प्लस आपको यहाँ पे भी स्कोर लेके चलना है। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 90 का स्कोर आपका, 90 का स्कोर कहाँ पे बन रहा है, केवल दो सब्जेक्ट पे बन रहा है, और अगर 90 दुना किया जाए ठीक है तो आपका 180 यही पे बनता है। तीसरा जो विषय हमारा बनता है जीएस, जहां पे पढ़ते आप सबसे ज्यादा हो लेकिन मार्क सबसे कम आता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो एक स्ट्रेटेजी ये है कि आप इसमें जितना मैक्सिमाइज कर लोगे इसमें आपको उतना ही कम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 90 क्वेश्चन यहां पे सही कर लेता हूं और मुझे अगर 80% या 75% भी छूना है तो इसका मतलब कि मुझे अब जीएस में 30 क्वेश्चन भी सेफली कर लूं। अगर जीएस में मैं 30 क्वेश्चन भी सेफली कर लेता हूं तो मैं एक बहुत अच्छे 9, 3, 12, 120, 240 कटने पिटने के बाद बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बट ये इम्प्रैक्टिकल है। अगर जीएस में 30 तो सही है बट यहाँ पे 45-45 लाना है, मतलब कि आप टॉपर लिस्ट की बात करो तो कोई बात नहीं। अगर आपने इधर नंबर कम करने का यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं चलो यहाँ पे हम नंबर इतना नहीं आ सकता, थोड़ा सा कम आ रहा है, तो एक चीज मान के चलना कि अगर जितना यहाँ पे कम हुआ, सपोज करो यहाँ पे आपका अगर 80 आया तो आपको यहाँ पे कम से कम 5 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा आपकी सर्टेनिटी के लिए। तो यहाँ पे बढ़ाना आसान है, यहाँ पे बढ़ाना थोड़ा कठिन है, बट हमारी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि हम ये तो बिल्कुल नहीं लेके चलेंगे कि 45-45 यहाँ पे सही हो, बट एक 80 जो है 80 एक सेफ जोन यहाँ पे लेके चलेगा। और यहाँ पे अगर 35 जीएस में अगर 35 होता है तो भी आप क्या रहोगे, सेफ जोन में रहोगे, 8, 3, 11, 115 क्वेश्चन, मतलब 230 नंबर। बट ये पेपर पे डिपेंड करेगा क्योंकि 230 नंबर एक बाउंड्री है। अगर पेपर थोड़ा भी ठीक ठाक रहा और अगर आपका ये पैटर्न रहा तो नो डाउट कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, बट 230 में चांसेस काफी ज्यादा है आपके सिलेक्शन के, बट कितना है ये सब कुछ फाइनल बताएगा। इसलिए आप एक टारगेट या तो 80-35 टारगेट लेके चलो या 90-30 टारगेट लेके चलो, क्योंकि इसके बीच का जो इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा इससे न कम ना इससे ज्यादा में, ज्यादा का कोई मतलब नहीं, इतना हो पाना मुश्किल हो जाएगा बट कम में नहीं चलेगा, तो फिर आपको तैयारी करने का मतलब नहीं रहेगा। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास टॉपिक, जैसे अगर मैं हिंदी बोलूं तो आपको समग्र पढ़ना है फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा, रीजनिंग आपको समग्र पढ़ना है फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा, बट आपको अगर जीएस की बात करूं तो इस 35 में भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अगर इन शॉर्ट आपको बोलो तो जीएस में जो यहाँ पे इस 35 क्वेश्चन के लिए ही बच्चे सबसे ज्यादा भटकते हैं और आता लास्ट में 35 भी नहीं, क्योंकि 50% निगेटिव और 35 क्वेश्चन भी जीएस में चैलेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आपके लिए यूपी है, एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है यूपी है, और जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है वो आपका करंट है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके होंगे वो यूपी और करंट से ही पूछे जाएंगे, यूपी और करंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो यूपी में कौन कौन से टॉपिक है इस चीज को हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सा पढ़ना है। तो एक तो यूपी के जनरल इन्फो के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए कि यूपी का गठन कब हुआ था, कभी ये राज्य बना, किसके आधार पर राज्य बना, पहले गवर्नर कौन थे, ये सारी चीजें इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरी चीज इसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मतलब ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये अन्य कितने राज्यों से छू रहा है,
क्या कोई अंतरराष्ट्रीय भी सीमा या छू रहा है, या फिर किसी के साथ अगर किसी स्टेट के साथ बाउंड्री हो तो किस स्टेट के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है लेंथ वाइज एरिया वाइज, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आती है। यहां से प्रश्न हमेशा बनता है। मेजर इंस्टीट्यूट यूपी के, क्योंकि हर बार संस्कृत विद्यालय कहाँ पे है, ये राजस्थान टंडन कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन हमेशा यूपी के बनते रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने डिवीजन में बांटा गया है, क्या है, कौन पहले रहे हैं गवर्नर, कौन पहले रहे हैं, या फिर जो इनमें बाकी सारे पद होते हैं वो चाहे पुलिस का विभाग हो चाहे बाकी अन्य विभाग हो, उनसे क्वेश्चंस क्या होते हैं बनते हैं। यहाँ पे थोड़े से कम लेकिन अच्छे बनते हैं। सेंसस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी का है, यहां से आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। सेंसस हो गया आपका, ट्राइब्स हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल्चर आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेमस प्लेसेस ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेम ऑफ सिटीज ऑफ बैंक ऑफ रिवर है ना, कि ऐसे ऐसे नदी ऐसे शहर जो नदियों के किनारे पे बसे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रामसर साइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, रोड नेटवर्क जैसे पिछली बार अभी अखबार में पूछा गया था रोड नेटवर्क, और बाकी जैसे मिसलेनियस में त्योहार हो गए, मेले हो गए, डांसेस हो गए, फूड डांसेस हो गए, ये सारी चीजें जो हो गई ये आपकी यूपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, मतलब इन्हें पढ़े बिना, जिनमें से मैं डबल स्टार लगाती हूँ, ये तो आपको मोस्टली पढ़ना है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेगा वो यही से बनेगा। अगर मैं बात करूं कि करंट की, तो सबसे ज्यादा बच्चे जब करंट की बात करता हूं तो पूछते हैं सर मैं पढ़ूं किससे। देखो करंट एक ऐसा विषय है जहां पे आपको सबसे ज्यादा भटकाने वाले लोग होते हैं और सबसे ज्यादा भटकते भी आप हो, बट आपको एक बात समझना चाहिए, वो चाहे करंट मैं पढ़ाऊं या दूसरा अध्यापक पढ़ाए या फिर कोई भी पढ़ाए जो बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू वाला हो, वो करंट पढ़ाएगा कहां से। तीन ही चार सोर्स होते हैं, मेरी बात जिनमें नहीं लगेगी तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। एक सोर्स तो आपका होता है पीआईबी, खबर कहां से उठाते हैं, पीआईबी से खबर उठाते हैं, या फिर आपके क्या होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं वहां से आते हैं। न्यूज़पेपर का तो जमाना अभी चला गया है, अभी तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे इसे न्यूज ये वेबसाइट की बात करूं तो ज्यादा बेटर है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से डायरेक्ट न्यूज अपडेटेड न्यूज यहाँ पे रिसेंट के उठा लिए जाते हैं, और बाकी सब कुछ पीआईबी से उठाया जाता है। और इसके अलावा एक और क्या है, एआईआर, ठीक है, ऑल इंडिया जो रेडियो होता है उनकी वेबसाइट से क्वेश्चंस उठते हैं। तो पीआईबी की वेबसाइट, एआईआर की वेबसाइट, और बाकी जो न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए या फिर द हिंदू हो गए या अन्य कोई हो गए, उनसे क्या होते हैं न्यूज उठाए जाते हैं। अब यहीं से भी न्यूज उठा के डेली बेसिस पे कराऊंगा तो मैं भी कराऊंगा, और अगर डेली बेसिस पे कराऊंगा तो आपका करंट काम का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका पेपर जो है वो कितना है, 26-27 जून को है, और अगर पेपर की डेट थोड़ा देखा जाए तो 15-20 दिन पहले से ये कंफर्म बोला जाता है कि अब वीडियो हो जाएगा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेपर इसका बन चुका है, और अगर पेपर बन चुका है तो क्या दोबारा ऑफलाइन पेपर में उसमें क्वेश्चन तो कोई डालने जाएगा नहीं, अब तो वो पेपर बन गया है, अब वो प्रिंट होके निकल आएगा, तो फिर हम अप्रैल का करंट पढ़ के, मई का करंट पढ़ के, जून का करंट पढ़ के क्या करेंगे, वो नहीं पूछेगा आपसे। जो करंट पूछेगा वो आपसे, मैं बता दूं 15 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल ये ध्यान, 15 अप्रैल से पहले का करंट पूछेगा। कितने पहले पहले का पूछेगा, 6 महीने पहले का मिनिमम पूछेगा। वैसे अगर रिसेंट में सारे पेपर को एनालाइज किया जाए तो जो करंट है वो आपके 2 ही 3 महीने में पूरा आ जा रहा है, मतलब अप्रैल को ले लिया जाए, मार्च को ले लिया, फरवरी, कहने का मतलब अगर वीडियो एग्जाम में एक मैं अपने एनालिसिस पे एक्सपेक्टेशन बताऊं तो आप देखिएगा फरवरी मार्च और अप्रैल की खबर सबसे ज्यादा रहेगी, मतलब ये 3 महीने आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दिसंबर को, जनवरी को, अक्टूबर को, नवंबर को, और इधर आप अप्रैल के 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की खबर या पूरे अप्रैल की खबर आप यहाँ पे भूल जाओ, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो आपको पिछले 6 महीने का कवर करना है। हाँ ये जरूर है कि आपको अप्रैल महीने का, मार्च महीने का, फरवरी महीने का, इवन 15 जनवरी तक, यहां तक एक भी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस ना हो, रटी होनी चाहिए जुबान पे, रटी होनी चाहिए। और वो रटेंगी कहां से, ये मैंने 2-3 आपको मैगजीन दिया है, सारे ही जो आपको टेस्ट भी बनाते हैं सब कुछ बनाते हैं इन्हीं मैगजीन्स का ये मदद लेते हैं। एक सबसे अच्छी आपकी जो है घटना चक्र है, ये आपका क्या था, ये वार्षिकांक आता है, इसमें ये जो नया वाला पॉइंट है 1 मई 2022 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक है, मतलब ये रिसेंट, तो आप इसे पीछे के महीने से पढ़ना शुरुआत करो, 30 अप्रैल पूरा अप्रैल पढ़ो, पूरा मार्च पढ़ो, पूरा फरवरी पढ़ो, पूरा जनवरी पढ़ो, उसके बाद आप फिर इतना ही रिवाइज करो, फिर इतना ही रिवाइज करो, फिर आप दिसंबर और आप नवंबर की पढ़ो, इस ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आप वार्षिकांक खरीद लो, 112 पेजेस की है, 112 पेजेस में अगर आप 6 महीना पढ़ोगे मुश्किल से 60-65 पेज या 70 पेज मैक्सिमम होगा, और ये 70 पेज रटा जा सकता है। आपके पास 50 दिन है, डेली टारगेट ले लोगे कि 2-2 पेज अगर मुझे रटना है तो 70 पेज रट लोगे। अब चाहे आप ये मैगजीन रटो, चाहे ये मैगजीन रटो, ये मैगजीन रटो, तीनों मैगजीन में जो इन्फॉर्मेशन होती है 99% सेम होती है, 1% कहीं इधर उधर हो जाए, बाकी करंट में कुछ बदलता नहीं है, तीनों ही मैगजीन अपनी जगह पे है। इंग्लिश वाले बच्चे जो होते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश भी आता है, इसका भी आने लगा है,
घटना सार का इंग्लिश नहीं आता, इसलिए घटना सार को इंग्लिश वाले बच्चे ले सकते हैं। बाकी हिंदी माध्यम के छात्र इन तीनों में से कोई भी मैगजीन ले लें। ये भी आपका करंट वार्षिकांक भी आता है, इसका अर्धवार्षिकांक भी आता है। आप चाहो तो पतली सी किताब अर्धवार्षिकांक आती है घटना सार की, वो भी ले लो। और जो प्रतियोगिता दर्पण है जिसे पीडी के नाम से भी आप लोग जानते हो, ये भी आप अर्धवार्षिकांक ले सकते हो या वार्षिकांक ले लो, जो भी आपको मिल जाए। लेकिन आप पिछले 6 महीने का तो बिल्कुल रट जाना चाहिए, मतलब कि 60-70 पेज जो आपके बनते हैं वो करें। और अगर इतना जितना आपको यूपी के ये टॉपिक और बता दिया हूं ये आपको रट गया, तो जीएस में जो आपका 30 से 35 का टारगेट मैं बता रहा हूं, इसमें 15 प्लस तो आप केवल दो विषय से कर लोगे। तो भाई कितना बेटर है कि अगर आपको 30 से 35 का टारगेट अचीव करना है और इसमें से 30 से 35 का टारगेट अचीव करना है, इसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन कहां से हो जाए, ये 60 से 70 पेज आपको रटने से हो जाए और यूपी आपको रटने से हो जाए। यूपी का परेशान मत होइए, एकदम मैं आपको जिस्ट बना के दे दूंगा, आप वो पीडीएफ रख लीजिएगा, मुश्किल से 20 से 25 पेज। तो 70 पेज आप करंट अफेयर, 20 पेज मतलब 100 पेज अगर आप रख लिए तो ये 15 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। और यही आपकी सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कम पढ़ने में ज्यादा नंबर कहां से है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका कोर, इसके बाद जो आता है वो आपका कोर जीएस आता है। अगर यहां पर बात करूं कोर जीएस आता है, और कोर जीएस में आपका भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस हो गया। अब साइंस के भी देखा जाए तो इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक आपका फिजिक्स होता है, जिसे आप लोग पीसीबी के नाम से बोलते हो। तो ये आपको तीनों पोर्शन अलग अलग पढ़ के फिर साइंस में टोटल यहां से प्रश्न कितना पूछा जाएगा, यहां से 4 से 5 प्रश्न मैक्सिमम 4 से 5, इसमें एक नहीं लिखा हुआ, एक आप कंप्यूटर भी लिख लो, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के भी पूछे जाएंगे। तो आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने साइंस में, एक क्वेश्चन बायो, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन फिजिक्स, हो सकता है 2 क्वेश्चन बायो, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन फिजिक्स, या हो सकता है 2 फिजिक्स, 2 बायो, 1 केमिस्ट्री, कोई भी हो सकता है, एक जो जनरल अनुमान लग सकता है। लेकिन क्या एक क्वेश्चन के लिए बायो में हमें सेल भी पढ़ना पड़े, हमें टिश्यू भी पढ़ना पड़े, हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ना पड़े, हमें हार्ट पढ़ना पड़े, माइंड पढ़ना पड़े, स्टमक पढ़ना पड़े, एसोफेगस पढ़ना पड़े, लीवर पढ़ना पड़े, सब कुछ हम पढ़ेंगे तो हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे? और उसमें भी अगर हम क्लासिफिकेशन में चले जाए, उसमें हम अगर सूक्ष्म जीवों में चले जाए तो और भी हो जाए, अगर साइंस टेक्नोलॉजी में चले जाए तो और भी हमारा स्कोप बढ़ जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स, फिजिक्स में हम मैकेनिक्स पढ़ें या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें या फिर हम ऑप्टिक्स पढ़ें या फिर हम कोई भी पार्ट पढ़े, तो पढ़ना हमें इतना है, नंबर हमें एक आना है। केमिस्ट्री में क्या पढ़े कि हमारा एक नंबर आना है पढ़ना बहुत। तो अल्टीमेटली जो आपका कोर विषय, इसमें आपको मेहनत बहुत करनी है और नंबर यहां पे कम है। अभी भूगोल में आपका क्या है, एक भारतीय भूगोल है और एक आपका क्या है, विश्व भूगोल है। भारतीय भूगोल में भी आप इंडिया पढ़ो, इंडिया की ज्योग्राफिकल, इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है इंडिया की, वो पढ़ो, है ना। उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ो, आप माउंटेन पढ़ो, उसके बाद आप इंडिया का रिवर पढ़ो, उसके बाद फिर आप इंडिया का क्या पढ़ो, मिनरल्स पढ़ो, फिर एनर्जी पढ़ो, फिर रोड पढ़ो, उसके बाद फिर आप जो ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं वो सारे पढ़ो, तब जाके आपके फिर भी और फिर आपका विश्व भूगोल भी है, 4-5 क्वेश्चन यहां से होगा। ऐसे इतिहास के 5 से 6 क्वेश्चन, इसमें भी 3 पार्ट है। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक तो आपका एंशियंट हो गया, एक आपका मेडिवल हो गया और एक का क्या होगा, मॉडर्न हो गया। तो 3 पोर्शन अलग अलग पढ़ने से फिर 5-6, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हाँ, यहां पे अगर कोई विषय है जो कम पढ़ के सबसे ज्यादा नंबर दे सकता है तो वो है आपका राज व्यवस्था। तो अगर कोर जीएस में आपको सबसे ज्यादा किसी मेहनत करनी है तो वो आपको पॉलिटी, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है पॉलिटी में। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कम पढ़ना है और आपके 4 से 5 क्वेश्चन श्योर है। तो अगर आप कोर जीएस में केवल पॉलिटी पढ़ लो, यूपी पढ़ लो और करंट पढ़ लो तो आपके कितने हो गए, आपके कम से कम 20 क्वेश्चन हो गए, मतलब आपको केवल 10 क्वेश्चन चाहिए। और 10 क्वेश्चन के लिए अब आप करो क्या, ज्योग्राफी में आप सबसे ज्यादा क्या पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी, क्या पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आप विज्ञान में सबसे ज्यादा बायो पढ़ो, कंप्यूटर आप बेसिक पढ़ो और हिस्ट्री में आप मॉडर्न पढ़ो, तो आपका 10 क्वेश्चन आपका यहां से ही कवर हो जाएगा। कहने का मतलब आप जो 30 का टारगेट है वो बना लोगे। तो अल्टीमेटली अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चलोगे तो अच्छा जीएस में भी स्कोर कर सकते हो। बाकी हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन हो गया, वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और पर्यायवाची विलोम, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी के हैं। शब्दयुग्म हो गया, शब्दयुद्धि शुद्धि हो गया, अलंकार हो गया, मुहावरे हो गया, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण हो गया। रीजनिंग अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं तो इसमें कोई भी टॉपिक में आपसे नहीं बोलूंगा कि आप इसे ओमिट करो, सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग आपको कुछ भी पूछ सकता है। सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिक्शनरी ऑर्डर, अल्फाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी हो गया, सिलॉक्स हो गया, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, फिगर सीरीज, ऑड वन आउट, ट्रॉक, लॉजिकल, वेन डायग्राम, डिस्टेंस,
एक्सेल हो गया, पजल हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, मिरर इमेज फिगर, रोटेशन, एम्बेडेड फिगर, डाइस, ये सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सारी चीजों को हम कैसे अपना टाइम प्लान करें, कैसे अपना स्टडी प्लान करें कि एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ चीजों को हम कवर कर पाए। तो उसके लिए देखो दो चीज है बच्चों, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसके लिए कोर्स लॉन्च करिए, 50 दिन में टीम परीक्षा प्लस कोई कोर्स नहीं लॉन्च करने जा रही, आपसे पैसा तो बिल्कुल नहीं लेगी, एक बात क्लियर है। हाँ ये हो सकता है कि मैं आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिक तरीके से आपकी तैयारी करवा दूं। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हिंदी से उठ सकते हैं, हिंदी की डेली बेसिस पे 1000 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनमें क्या कलेक्शन होगा, इसमें आपके यूपी ट्रिपलएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न को सम्मिलित किया जाएगा, उनके आधार पर जो प्रश्न और बन सकते हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा, तो आपका प्रीवियस ईयर हो गया और जो आपका मॉडल क्वेश्चन हो गया, ये दोनों तो कवर करेगा ही करेगा, प्लस आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से संबंधित वगैरह हो सकते हैं उन क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे 1000 प्रश्नों का एक अतुल्य श्रृंखला बनाया जाएगा और वो आपको कराया जाएगा 26-27 जून के टारगेट के लिए। ये डेली आपकी क्या होगी, डेली 9 PM की क्लास होगी। तो अगर इस क्लास को आप डेली बेसिस पर देख लेते हो, साथ में ही अगर आप इसके पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा, पीडीएफ अगर आप देख लेते हो, और ये पूरा मैं निःशुल्क करवा रहा हूं, एक कोर्स ही इसको अगर देखा जाए तो एक निःशुल्क कोर्स की अंतर्गत इसमें दिया जा रहा है। और पहले तो आपको बता दूं कि इस निःशुल्क कोर्स में इंक्लूडेड क्या क्या है ताकि आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि इस पूरे पूरे के पूरे कोर्स में हम आपको लिख दे क्या रहे हैं, तो एक तो आपको हम ये रिवीजन क्लास दे रहे हैं, देखो पूरा जो मॉड्यूल है, पूरा जो मॉड्यूल है, एक तो आपको हम रिवीजन क्लास देंगे, ठीक है, रिवीजन क्लास। और ये रिवीजन क्लास क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंटर वाइज होगा, ठीक, ये पॉइंटर वाइज होगा, ये आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स है उनको सम्मिलित किया होगा, इवन आपका कोर जीएस, इवन आपका यूपी, इवन आपका करंट, ये मैं जीएस की बात कर रहा हूं, इवन आपका रीजनिंग और कुछ आपका पार्ट हिंदी। तो ये आपका जो रिवीजन क्लास होगा ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं पूछने लगते हैं और वहां पे क्या होता है टाइम आपका लॉस होता है, टाइम लॉस ना हो इसलिए केवल जिस्ट बना के आपको पॉइंट ऑफ फॉर्म में, फैक्ट फॉर्म में ये सुबह 9 AM 9 से लेके 10 AM के बीच में आपका डेली अपलोड किया जाएगा अलग अलग टॉपिक के, जैसे हिंदी का हो गया या हिस्ट्री का हो गया या ज्योग्राफी का हो गया या फिर आपका पॉलिटी का हो गया या फिर आपका करेंट हो गया आपका यूपी हो गया, इनमें से पॉइंटर बना के आपको डेली 9 से 10 में दिया जाएगा। दूसरा इसमें जो इंक्लूड किया जा रहा है इसमें एक रामबाण पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, ये क्या है, ये आपके जीएस से जीएस और हिंदी को मिला के एक बनाया हुआ पीडीएफ है। मैं आपको समझाता हूँ ये पीडीएफ कैसी है, जितना आपको, क्योंकि इतने समय में ये तो बिल्कुल असंभव है कि आप सारी चीजें फ्रेश पढ़ पाओ, तो जाहिर सी बात है आप रिवीजन मोड में हो सकते हैं। और अगर रिवीजन मोड की बात किया जाए तो ये आपका जनरल स्टडीज का एक रामबाण पीडीएफ बनाया गया है, इसमें है क्या, जितने भी टॉपिक है उनको पॉइंटर वाइज, जैसे देखिए इतिहास है, इतिहास को पॉइंटर वाइज सिंधु सभ्यता एकदम टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज टेबल बना के, क्या जैसे वैदिक सभ्यता हो गया, फिर आपका जैसे जैन धर्म हो गया, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका पूरा का पूरा कलेक्शन है। और ये प्रत्येक विषय का, जैसे आपका यहाँ पे देखो इतिहास है, इतिहास में तीनों पार्ट, उन तीनों पार्ट में इतिहास खत्म करने के बाद अगर देखा जाए तो फिर भूगोल, भूगोल में भी अगर उसके बाद देखा जाए पॉलिटी, सारे ही विषय इसी में आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और यही नहीं, इसमें आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं जो जनरल जीके होते हैं वो भी इसी पीडीएफ में आपका लास्ट में टेबल के फॉर्म में, फेमस पर्सन, फेमस पर्सनालिटीज, वो सब जो समाधि स्थल है भारत में, सांस्कृतिक संस्थान व स्थापना वर्ष, ये फिर भारत के प्रमुख सूत संस्थान, ये सारी ही चीजें, भारत के प्रमुख सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सब कुछ आपका इस पीडीएफ में, इसीलिए इसको रामबाण बोला गया है। और जब भी कोई एग्जाम आपका नजदीक आता है तब इस पीडीएफ को लॉन्च किया जाता है अलग अलग कोर्स में अलग अलग तरीके से, ताकि आप इसे पढ़ के कम समय में इसे कवर कर लो। तो लगभग 166 पेज की पीडीएफ है, 50 दिन अगर आप डेली 4 से 5 पेज भी पढ़ोगे तो आप इसे 2-3 बार पढ़ लोगे, इस बात को समझेगा। और इसे पूरा जीएस के लिए रट लेना है, इसके अतिरिक्त आपको जीएस में कुछ पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इस बात को आप समझते हुए चलेगा। अगर आप जीएस में इतना पढ़ लेते हो तो ये मोर देन सफिशियंट है। तो एक आपको रामबाण पीडीएफ दिया जाएगा जीएस के लिए। तीसरी चीज आपको क्लियर है क्या है, तीसरी चीज आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। हाँ ये आपको बाकी चीजें तो आपका क्या है, बाकी चीजें आपका यहाँ पे ये भी रिवीजन भी निःशुल्क करवाया जा रहा है, रामबाण पीडीएफ भी आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, टेस्ट भी आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन इसमें टेस्ट जो निःशुल्क दिया है, ये 5 टेस्ट आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, 10 टेस्ट जो बच्चे केवल इच्छुक होंगे वो ले सकते हैं, उसके भी प्राइस केवल
150 के आसपास रखा जाएगा, प्लस जीएसटी जो भी लगे, ठीक है ना। वो 10 टेस्ट बच्चे वहां से परचेज कर सकते हैं परीक्षा प्लस ऐप से। इसके बारे में अभी नहीं बताना चाह रहा हूं, जो 5 टेस्ट है ये फ्री दिया जाएगा, ये आप समझे। तो रिविजन क्लास हो गया, बाकी आपका रामबाण पीडीएफ हो गई, आपका टेस्ट सीरीज होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको क्या करा सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम आपको एक प्रैक्टिस का बहुत बढ़िया, जो आपकी लगभग मेरा प्रयास है कि 1000 क्वेश्चन आपका हिंदी का करा दिया जाए, 1000 क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट है ये आपका जीएस का करा दिया जाए, जो एनसीईआरटी और पीबीएसई बेस्ड हो, और 1000 क्वेश्चन ही लगभग आपका किसका करा दिया जाए, रीजनिंग का करा दिया जाए, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या उनके आधारित पूछे जा सकते हैं। तो लगभग 3000 प्रश्न का संग्रह आपको और इसकी पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एकदम निःशुल्क बैच रहेगा जिसमें इतनी चीजें मिलेंगी। हाँ, ये कहां पर मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप लगा हुआ है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से, जो वीडियो एग्जाम 26-27 जून को टारगेटेड है, आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है। अगर वहां से जुड़ जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको वहां पे निशुल्क मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर, मुझे रिवीजन नहीं, मेरा एकदम बचा हुआ है, ये आपकी वीडियो की जीएस की क्लासेस ऐसे चलेंगी सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपी के लिए अभी कल सुबह 8 बजे से 22 घंटे की लगातार क्लास की एक मैराथन है, वो मेरी ही क्लास है, मैं सारे आपको लगातार 22 घंटे ये क्लास आपको दे रहा हूं। तो कल 8 बजे से ये क्लास देख लीजिएगा, यूपी इससे कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आपका रिवीजन का टाइम टेबल है वो मैंने आपको यहाँ पे दे ही दिया। टेस्ट का जो टाइम टेबल है, जो यहाँ पे आपको 10 टेस्ट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, इसमें देखा जाए तो भाई पूरा 15 टेस्ट 14 टेस्ट का बनाया गया, जिसमें आपके ये देखो तो 12 टेस्ट आपके ऐसे में टाइम वाइज 7 मई से स्टार्ट होगा, 10 जून तक चलेगा। उसके बाद आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट, एक केवल यूपी स्पेशल का 13 जून को और एक 15 जून को आपको किसका करंट अफेयर्स स्पेशल दिया जाएगा। और ये जो आपको टोटल ये प्राइस होगी, ये प्राइस आपका ₹150 होगा। ये टेस्ट कहां से मिलेगा, ये परीक्षा प्लस ऐप से मिलेगा। टेस्ट आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी दो ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस होता चले, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में एक ही या दो ही टेस्ट दो, ज्यादा टेस्ट मत दो। जैसे अगर 7 मई से 10 मई के बीच में हमारे टेस्ट में आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, तो आप 8 मई को किसी और का टेस्ट दे दो, 9 मई को किसी और का टेस्ट दे दो। अंतिम आपकी परीक्षा है देखा जाए UP SSSC की, जिसमें आपका पीटी नहीं मांग रहा है, सबको अवसर मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता 100-150-200 रुपए आप टेस्ट के पीछे खर्च कर दोगे किसी प्लेटफॉर्म पर, मेरा हो या फिर किसी का भी हो, तो उसमें आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। 150 रुपए आप रात चलते खत्म कर देते हो, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आप 10 जगह का टेस्ट ले लोगे, अगर 150-200-200 का होगा तो 2000 जाएगा, 7 नहीं जाएगा, लेकिन वो 2000 हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आपकी सफलता तक आपको पहुंचा दे। तो वो 2000 आप एक जुआ ही तरह, जुआ तो नहीं बोलेंगे बट इसे आप लगा दीजिए और इससे आप प्रिपरेशन कर लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लीजिए, ताकि आपका एक जो प्रैक्टिस हो वो बहुत अच्छी होती है और सब कुछ प्रैक्टिस से ही यहाँ पे होगा। बस ये है कि देखो तो ऑथेंटिक चैनल से ही आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिक संस्थान से कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो लगातार हमसे कह रहे हैं सर नया कोर्स निकालो, तो उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ भैया नया कोर्स तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ, अगर आपको पूरा कंटेंट सही तरीके से चाहिए या आपको पूरा डिटेल में चाहिए, तो आप एक काम क्या करो, वीडियो एग्जाम का ये कोर्स है, ये 499 का है, ये हमारा पुराना बैच था बट इसकी प्राइस कम करके अभी 499 में कर दिया गया है। ये वीओडी के फॉर्म में बैच है, इसे आप चाहो तो ले सकते हो। इसमें सारे के सारे नोट्स, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये आपके सारे के सारे ही कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप, ये हमारा ऐप होगा, ऐप में जाओगे, अपने कोर्सेस में जाओगे, वीडियो एग्जाम का आएगा, यहाँ पे अपकमिंग जो क्लासेस लगी होती है रिकॉर्डेड में जाओगे, सब कुछ लगा हुआ है, जैसे टाइम टेबल, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, बायोलॉजी, स्टडी मटेरियल में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, रीजनिंग का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है। मैं ज्योग्राफी का ही अभी मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं, नोट से पूरे से प्रिंट करा लोगे तो ये बुकलेट फॉर्मेट में है, ठीक है। ये बुकलेट फॉर्मेट में इसे प्रिंट करा के आप आसानी से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये थोड़ा फेच होने में टाइम लग रहा है, अभी आ जाएगा। ये ऐसे करके सारे कंटेंट, जो भी आप कंटेंट देखोगे बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट है, इसे आप डायरेक्ट प्रिंट करके कर सकते हो, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरा तो सुझाव ये है कि 50 दिन में आप कंप्लीट कोर्स नहीं कवर कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप जोड़ना चाहते हो, निजी ही करते हो कि नहीं सर मुझे एकदम पूरा का पूरा बैच लेना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ऐसा कुछ सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि 50 दिन में आप किसी का भी बैच कवर नहीं कर पाओगे और सारी चीजें आपका बाकी यहाँ पे है। तो चलिए, इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, एक मास्टर प्लान आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है सर कितने घंटे पढ़े, तो भैया मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, ये अलग से मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा जैसे नजदीक आएगा, लेकिन अभी अपनी स्वेच्छा से जितना आपकी औकात हो, जितना आपकी इच्छा करे, जितना आपका शरीर गवारे दे, वो आप करो। ऐसा नहीं पढ़ते पढ़ते प्राण त्याग दो, ये भी नहीं करना है, जब तक आपको अच्छा लगे पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कार्य क्षमता होती है, अलग अलग इफिशियंसी होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता नहीं आप इतने घंटे पढ़ो इतने घंटे पढ़ो, जितना देर आपको अच्छा लगे उतना देर आप पढ़ने का प्रयास करेगा। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ हमसे चाहिए, हाँ, कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप ये चाहते हो तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो,
और अगर आप व्हाट्सएप का जो फ्री वाला कोर्स हम चला रहे हैं उससे जुड़ना चाहते हो, एक चीज बिल्कुल मत बोलो कि शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी रिविजन क्लास प्रैक्टिस की चल रही है, वो मस्त है देखना। कल आपको जो मैराथन चल रहा है वो मस्त है आपका देखना। और दूसरी चीज, सुबह 9 से 10 में आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी उन्हें देख लो आप। बाकी आपकी रामबाण की पीडीएफ है ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही दे दी जाएगी, परीक्षा प्लस ऐप पे दे दी जाएगी, तो यहां से आप जुड़ जाओ। और अगर आप में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हो, नीचे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हो, या फिर जिस भी माध्यम से आप, अगर यहाँ पे मैं फोन नंबर लिख दूं 9450006007 एक बार आप पॉज करके सुन लीजिएगा और दोबारा क्या कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा कोई भी समस्या आती है। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।